अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को हलीमा सुल्ताना का ड्रेस कटिंग और स्टिचिंग करके बताऊंगी। देखिए, ये हमने हलीमा सुल्ताना का ये ड्रेस लिया हुआ है। ये कुर्ती है, इसके अंदर अस्तर लगा हुआ है। ये कुर्ती हमें साइज के अकॉर्डिंग सिलाई करनी है। इसके अंदर अस्तर लगाकर दिया हुआ है और इसके ऊपर सिर्फ हमें कुर्ती सिलाई करनी है। इसके नीचे पैंट दिया हुआ है। देखिए, किसी ड्रेस के नीचे गरारा आ रहा है, किसी हलीमा सुल्ताना ड्रेस के नीचे शरारा आ रहा है और किसी के नीचे पैंट आ रहा है। तो ये हमारा पैंट वाला ड्रेस है जिसके अंदर पैंट दिया हुआ है। इसकी कोटी भी है हलीमा सुल्ताना की। देखिए, ये इस तरह हलीमा सुल्ताना की कोटी है। तो आजकल ये ज़्यादा ट्रेंड में है। इस साल रमज़ान स्पेशल में ये ड्रेस है जो ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो इस तरह इसकी कोटी है जो सामने से ओपन है। देखिए, इस तरह पूरी कोटी है। कोई कोटी कमर पर भरने के लिए दिया हुआ है और कोई कोटी गले के पास। तो इसका जो डिज़ाइन है ये गले के पास भरने वाला है। इससे पहले भी मैंने एक ड्रेस स्टिच किया हुआ था, उसमें कमर के पास का स्टिचिंग की डोरी दी हुई थी। तो इस तरह हलीमा सुल्ताना का ये ड्रेस है। आइए अब इसकी कुर्ती की कटिंग देखते। देखिए, इस तरह इसमें पैट भी सिया हुआ है। तो हमें पैट स्टिच नहीं करना है, ना ही कटिंग करना है, ना ही स्टिच। अगर आपकी लेंथ कम है तो सिर्फ हमें ऊपर से लास्टिक कम करते हुए इसका लास्टिक खोलकर इसी में लास्टिक मोड़ देनी है अगर लेंथ कम है तो ये पैंट सिया हुआ है तो इसकी स्टिचिंग नहीं करना है और कोटी की भी स्टिचिंग नहीं करना है। सिर्फ हमें स्टिचिंग करना है कुर्ती की। तो पहले हम इसकी सारी लेस खोल लेंगे। देखिए, इसके साइड से ये आस्तीन लगे हुए हैं, तो साइड से हम आस्तीन को भी अलग कर लेंगे और इसके साइड में जो पाइपिंग लगी हुई है इस पाइपिंग को भी हम अलग कर लेंगे। देखिए, इस तरह हमने आस्तीन अलग कर लिया है और इसकी जो बाजू की पाइपिंग थी वो भी हमने अलग कर लिया है। अब इसकी कुर्ती की कटिंग मेरे हस्बैंड बताएंगे। देखिए, इस तरह ओपन कर लिया है हमने साइड की पाइपिंग को निकाल कर। अब हम अस्तर के साथ रखते हुए बीच का सेंटर देखते हुए इसे फोल्ड करेंगे। नेक का साइज बराबर में देखेंगे हम और बिल्कुल कपड़े को भी सही करते हुए बिछा लेंगे। कुर्ती की लेंथ इसमें जितनी है पूरी रखना है हमें। बोलो, कमर की लंबाई सबसे पहले लगा रहे हैं कुर्ती पर निशान 14 इंच पर। शोल्डर के पास से 14 इंच पर कमर के निशान के बाद हम बगल का निशान ले रहे हैं 6.5 इंच पर और हिप की लंबाई ले रहे हैं, यानी चौकों की लंबाई ले रहे हैं 19 इंच पर। अब स्केल रखते हुए हम इन सबको सीधी लकीर ले लेंगे। इस तरह स्केल की मदद से हमने बगल की लंबाई 6.5, कमर की लंबाई 14 इंच और चौकों की लंबाई 19 इंच पर ले ली है। देखिए, इसका शोल्डर रखेंगे हम 12 इंच रेडी, तो उसका आधा लेंगे हम 6 इंच। इस तरह गले को पकड़ते हुए गले के साइड से 6 इंच ले लिया हमने। अब इसका चेस्ट है 29, 29 में हम 4 इंच मिला कर लेंगे। ये 5 इंच इसमें लूजिंग मिला लिया है, सॉरी 4 इंच नहीं 5 इंच मिलाया है, क्योंकि ये वर्क वाला है ड्रेस। तो 29 में हमने 5+ करके उसका चौथा भाग का निशान लगा लिया है। उसका चौथा भाग है 8.5, 17 का आधा 8.5 इंच। अरे, कमर है, कमर का निशान लगा रहे हैं 7.5 इंच पर। रेडी कमर है उनकी 15 इंच, यानी कि चारों तरफ से टेप डालकर अगर लेते हैं तो 24 इंच की कमर है। उसमें भी हमने 5 इंच मिलाया हुआ है। ये दामन 11 इंच, देखिए दामन 11 इंच की निशान पर लिया हुआ है और हिप की चौड़ाई 36 इंच है। 36 का चौथा भाग 9 इंच लिया हुआ है।
अब इसमें स्केल से निशान बना लेंगे। देखिए स्केल से इस तरह निशान बना रहे हैं। अब इसमें मार्जिंग लगाएंगे। पहले बगल को यानी कि आर्मोल को राउंड कर लें और यहाँ पर राउंड साइज जितना आना है उतना लिखा जा रहा है। देखिए चेस्ट 34 रेडी आना है, पूरा राउंड लिखते हैं। मैं हाफ लिखती हूँ लेकिन हमारे शोहर राउंड लिखते हैं। देखिए कमर की चौड़ाई 30 इंच है और हिप की चौड़ाई 36 इंच है, यानी कि रेडी इतना आना है। देखिए ये मार्जिंग लगाई जा रही है 1.5 इंच की चेस्ट में और कमर में 1.5 इंच, हिप के पास 1 इंच और नीचे की तरफ भी 1 इंच लिया जाता है। स्केल 1 इंच की चौड़ी है नीचे की तरफ और ऊपर 1.5 इंच की चौड़ी है, यानी स्केल में 1 इंच और 1.5 इंच की चौड़ाई है। तो उसके हिसाब से शोल्डर के ऊपर अलग शोल्डर में 1/2 इंच मार्जिन लिया जाता है। अब जो मार्जिन का निशान है वहां से कटिंग कर रहे हैं। चटका आप कट लगा रहे हैं हिप के पास और वेस्ट के पास और चेस्ट के पास। ये सिलाई में मदद करते हैं, कट लगाने से आसानी हो जाती है सिलाई करने में। ये फ्रंट का हिस्सा था, अब हम बैक का हिस्सा कट करेंगे। देखिए सही से बराबर करते हुए बैक साइड का भी कपड़ा इस तरह फोल्ड करके बीच सेंटर में बिछा लिया है। अब इस पर फ्रंट साइड की कुर्ती रखते हुए कटिंग करेंगे। दोनों को बराबर है। देखिए फ्रंट की कुर्ती रखते हुए बैक साइड के भी हिस्से को कट कर रहे हैं। देखिए इसमें भी कट लगा लिया है बैक साइड की कुर्ती में भी। ये रेडी है, 1/2 इंच कम लगाना मार्जिन बिल्कुल। फ्रंट का नेक रेडी है इसलिए बैक साइड के नेक में थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए हम निशान लगाएंगे सेम गले की जैसा। 5 इंच का लंबाई है गले की बैक साइड की। थोड़ी थोड़ी मार्जिन रखते हुए इसे भी राउंड बना लेंगे बैक साइड के गले को भी और इसे भी नेक को भी हम इसी पर कट कर देंगे। फ्रंट का नेक तो पैपिंग के साथ रेडी है इसलिए बैक का सर नेक इस पर कट कर रहे हैं। ये हो गया कुर्ती, ये कुर्ती हो चुकी है। अब अस्तिन का डायग्राम डालेंगे। देखिए अस्तिन की लंबाई 24 इंच रेडी है तो इसमें 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए 24 भी हाफ यानी 24.5 इंच कट करेंगे। ऑलरेडी ये फ्रिल के अस्तिन दिए हुए हैं तो हमें सिर्फ ऊपर का शेप कट करना है। अब दूसरा अस्तिन भी इसी के ऊपर अच्छी तरह बिछा लेंगे हम। देखिए ऊपर का कम ज़्यादा कपड़े को बराबर में कट कर लेंगे। 3 इंच का शेप लगाएंगे यानी एक लकीर खींच लेंगे क्योंकि हमें 3 इंच पर अस्तिन ढलाना है। या 8 इंच लूजिंग, 8 इंच जो हमने बगल में लेना है मार्जिन छोड़ते हुए। मैं थोड़ा अलग कटिंग बताती हूँ और हमारे हस्बैंड की कटिंग अलग है।
मैं कट बगल जिसे बोलती हूँ वही डाल रहे हैं। इसमें मार्जिन अभी मिलाई जाएंगी। इस तरह शेप बना लेंगे। आस्तीन की चौड़ाई देखिए 5 इंच रेडी है, तो उसमें मार्जिन मिलाते हुए हम 6 इंच ले रहे हैं, सॉरी 7 इंच ले रहे हैं, 2 इंच मार्जिन मिला रहे हैं। कोनी के पास, यानी जो हमारी कोनी के पास आती है वहाँ पर डायग्राम लिया हुआ है। अब देखिए सेंटर में कट लगाएंगे, ये कट हमारा सेंटर में आना चाहिए शोल्डर पर। अब थोड़ी सी मार्जिन रखते हुए, यानी 1-1 इंच मार्जिन रखते हुए साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। मेरे हस्बैंड यूट्यूब पर नए नए हैं इसलिए बोलने में मैं बोल रही हूँ, इंशाल्लाह धीरे धीरे मेरे शोहर भी बोलना शुरू कर देंगे। देखिए आस्तीन कट हो चुके हैं हमारे, बैक साइड फ्रंट साइड, तो इस तरह हलीमा सुल्ताना की कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। देखिए ये बॉटम भी रेडी है और ये कोटी में भी अभी कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी फिटिंग लेनी है क्योंकि कोटी भी सी हुई है इसकी हलीमा सुल्ताना की, तो सिर्फ साइड से हमें 1-1 इंच इसके अंदर टाइट करना है कुर्ती को, सॉरी कोटी को। तो इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।